खंडवा में हुई सांप्रदायिक घटना पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्र ने कहा, प्रदेश में किसी भी तरह की सांप्रदायिक घटना बर्दाश्त नहीं होगी। निर्दलीय पार्षद असफाक ने अपने साथियों के साथ थाने पर पथराव किया था और सांप्रदायिक फैलाने की कोशिश की थी। शांति के टापू मध्य प्रदेश में सांप्रदायिक तनाव फैलाने की कोशिश करने वाले किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। खंडवा में असफाक पर रासुका की कार्रवाई कर जेल भेज दिया गया है। देखिए, खंडवा नहीं, प्रदेश में कोई भी कहीं भी सांप्रदायिक तनाव अगर पैदा करेगा तो कोई भी नहीं बख्शा जाएगा। जो असफाक की हरकत थी उस पर गौर किया है और जो उसके साथी हैं, एक जो गैंग टाइप की उन्हें बना ली थी, उन सबकी भी जानकारी निकाली जा रही है, इनका भी रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है, इनका अतिक्रमण का भी रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है और सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। रासुका लगाकर जेल भेज दिया गया है। ये मध्य प्रदेश हमारा शांति का टापू है और इस तरह की अगर कोई नापाक कोशिश करेगा तो वो बख्शा नहीं जाएगा, असफाक हो या कोई।